क्या आपने कभी सोचा है कि पौधों को उगने के लिए क्या चाहिए? क्या आप जानते हो कि जड़ें कैसे काम करती है? आपके इन सभी सवालों के जवाब हम दोनों देंगे। हाय दोस्तों, मैं हूँ टोमेटीना, आपका प्यारा टमाटर, और मैं हूँ सनशाइन, आपकी सूरजमुखी। हम जंगल मैजिक के शुभंकर है। हम आपके लिए आपके पसंदीदा जंगल मैजिक का नया रोमांचक खेल गार्डन साइंस लाए हैं। पौधों की अनोखी दुनिया यानी बॉटनी के बारे में जानने और आपकी समझ बढ़ाने के लिए गार्डन साइंस को आपको बागवानी शुरू करवाने के लिए ही तैयार किया गया है, ताकि आप प्रयोग कर सके और अपने घर में बेझिझक खुद से पौधे उगा सके। गार्डन साइंस के साथ आपको अपने पौधों के गमले रखने के लिए भारत के नक्शे वाली ट्रे मिलती है। आपको 6 मिट्टी की टिकिया भी मिलेगी, जिन्हें नारियल के खोलों से निकाला गया है। इन्हें कोकोपीट कहते हैं, और अगर आप इसमें पानी मिलाएंगे तो मिट्टी 15 गुना से ज्यादा फूल जाएगी। ट्रे और मिट्टी की टिकिया के साथ साथ आपको 7 तरह के बीज भी मिलेंगे, जो कि गेहूँ, सरसों, रागी, धनिया, गेंदा, मूंग और मेथी के हैं। आपके लिए और आसान बनाने के लिए गार्डन साइंस के साथ मापने वाले कप, 6 गमले, लकड़ी की चम्मच, ड्रॉपर और निर्देश पुस्तिका होगी, जिससे आपको अपने पौधों को ठीक से उगाने में मदद मिलेगी। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि गार्डन साइंस के साथ प्रयोग कैसे किया जाए। चलो मान लेते हैं कि आप मूंग उगाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको गार्डन साइंस का मूंग बीज का पाउच, गमला, पानी, मापने वाला गिलास, ड्रॉपर, पानी और मिट्टी की टिकिया की जरूरत पड़ेगी। पहले मिट्टी की टिकिया से गमला भरे, अब कुछ मूंग के बीज छिड़क दे और फिर बीजों को मिट्टी की पतली परत से ढक दे। गमले को ट्रे में रख दे। मिट्टी नम रखने के लिए ड्रॉपर से गमले में लगातार पानी देते रहे। 2 से 5 दिन के बाद आप देखेंगे कि आखिरकार बीज उगाते हैं और वो बड़ा पौधा बनने के लिए बढ़ने लगते हैं। इसी तरह आप दूसरे पौधे उगा सकते हैं और गार्डन साइंस के बीज के पाउच का इस्तेमाल करके कई प्रयोग कर सकते हैं। तो अब इंतजार किस बात का? अपनी गार्डन साइंस किट ले और प्रयोग शुरू कर दें। गार्डन साइंस की जादुई दुनिया की खोज के लिए।